नमस्कार। राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है। पूर्व सांसद अमीर आलम खान को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल में यह बड़ा पद होता है, लेकिन अमीर आलम राष्ट्रीय महासचिव बने और इसके साथ ही कैराना लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ा है। दरअसल पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने बेटे पूर्व विधायक नवाजिस आलम को कैराना से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वह गठबंधन से टिकट मांग रहे हैं और क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। आलम परिवार शामली जिले के गढ़ीपुख्ता निवासी है। कैराना से इकरा हसन भी दावेदार हैं, जो पूर्व सांसद मुनव्वर हसन, तबस्सुम हसन की बेटी और कैराना विधायक नाहिद हसन की बहन है। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट का प्रभारी भी बनाया है। हालांकि उनके साथ प्रोफेसर सुधीर पवार भी प्रभारी हैं। लोगों में चर्चा है कि अमीर आलम खान को साधने के लिए राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। इसके यह भी संकेत हो सकते हैं कि नवाजिश को कैराना से टिकट मुश्किल मिले और ऐसे में इकरा का टिकट का रास्ता साफ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है तो टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यह हकीकत है कि इकरा हसन की दावेदारी के आगे आलम परिवार की दावेदारी मजबूत नहीं दिखती है। लेकिन गठबंधन किस पर विश्वास जताएगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन नवाजिश आलम हाल ही में जयंत चौधरी से मिले हैं। कहा जा रहा है कि नवाजिश आलम ने जयंत के सामने दावेदारी कर दी है। वहीं जल्द ही हम आपको एक ऐसे दावेदार का नाम बताएंगे जिनकी दावेदारी सामने आने से कैराना सीट पर हलचल और तेज हो सकती है। बता दें कि कैराना लोकसभा सीट में कैराना, शामली, थाना भवन, गंगो, नकुड़ विधानसभा सीट आती है। कैराना से सपा, शामली थाना भवन से रालोद, नकुड़ और गंगो से भाजपा के विधायक हैं।